शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद आखिरकार यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। गृह और राजस्व जैसे अहम मंत्रालय समेत लगभग 3 दर्जन विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखे। इनमें आवास एवं शहरी नियोजन, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शामिल है। जबकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का जिम्मा दिया गया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग, सूर्य प्रताप शाही को कृषि, सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री बनाया गया तो जयप्रकाश को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली। उधर बीएसपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम मंत्रालय मिला। वहीं रीता बहुगुणा को महिला कल्याण मंत्रालय दिया गया जबकि राजेश अग्रवाल को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। योगी सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा को आईटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। हम जो जिम्मेवारी देंगे उसको पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को विश्वास दिलाया, हम सब उसको पूरा करेंगे। बहुत अच्छे से जिम्मेदारी दी गई है और सबकी जो रुचि है और रुचि का विषय है, सब ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने विभागों को आगे लेकर के जाएंगे। और तमाम जिनको भी जिम्मेदारियां मिली है, तमाम मंत्री बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। देखिए, जो विभागों का आवंटन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, सभी अनुभवी लोग हैं। मेरा तो आप जानते हैं, महिला आंदोलन से मैं निकली हूँ, महिलाओं के बीच में काम करने में मुझे खुशी होती है। महिला बाल कल्याण का जो मुझे काम मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए, शिक्षा का विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है और तमाम चीजें उसमें आती है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग से भी है, महत्वपूर्ण है। शिक्षा का सुधार हो जाए तो सारा देश का सुधार हो सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक दफ्तर में बैठने के निर्देश दिए हैं। देश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जी हमारे साथ हैं। रमापति जी, सबसे पहले तो बताएं कि जो ब्रीफिंग हुई है मुख्यमंत्री ने आज दी है, उसमें उन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के आधार पर आदरणीय मोदी जी के व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश को ठीक करना है, जहां भी कमियां रहेगी उसको पूरा करना। क्या क्या निर्देश उन्होंने दिए हैं मंत्रियों को? मुख्यमंत्री किस तरह की जिम्मेदारी आपको लग रही है? परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और कोशिश करूंगा पूरा कि उसका लाभ हम जनमानस को पहुंचे और हम सब के लिए चैलेंज है। राजेश अग्रवाल जी प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। राजेश जी, हमको बताइए कि वित्त हमने देखा पिछली सरकार में चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रखा था, इस बार जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारी हो और वो जिम्मेदारी अगर मेरे पास है तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद सर। किसानों का कर्ज माफ करना है, एक बड़ा अमाउंट उसके लिए चाहिए। सब थोड़ा सा समय के बाद आप बात करें सारे विषय। आपको लगता है इंतजाम हो जाएगा बजट का? क्यों नहीं हो। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और सिंचाई मंत्रालय इनको मुख्य रूप से मिला है। धर्मपाल जी, किस तरह से काम करना है इरिगेशन को लेकर, खासतौर से बुंदेलखंड में हमने देखा वहाँ की बड़ी समस्या रही है। बुंदेलखंड में वास्तव में ये चैलेंजिंग विषय है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या है। सबसे पहले बुंदेलखंड में जहाँ पानी है, पानी भी है, पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे रोहिलखंड हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि ये सब ठीक ठाक व्यवस्था हो जाए। ये धर्मपाल सिंह जी, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली की केंद्र सरकार के दफ्तर चलते हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से दफ्तर चलेंगे। सुबह 9:30 बजे मंत्री और उनके सारे अधिकारी दफ्तर में मौजूद होंगे और शाम को 6:30 बजे से पहले वो घर नहीं जा सकते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम फैसले लिए। यूपी के सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं में तंबाकू और गुटखा बैन कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी बैन लग गया है। सीएम योगी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी स्वच्छ और स्वस्थ माहौल में काम करें। सीएम ने सभी अधिकारियों को तमाम फाइलों के जल्द निस्तारण के आदेश दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फाइलों के निस्तारण की सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे एनएक्सी का निरीक्षण किया है, सभी तलों का निरीक्षण किया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरा स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ वातावरण यह एनएक्सी का भी रहे और प्रदेश का भी रहे। परिवर्तन जो हुआ है वो दिखाई देना चाहिए और जहां कहीं भी गंदगी देखने को मिली है वो तत्काल साफ रहे और सभी संबंधित विभागों को, अधिकारियों को, सचिवों को, प्रमुख सचिवों को भी निर्देश दिया गया है तो स्वयं ध्यान दे करके स्वच्छता, जो दो एक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें पूरी जिम्मेदारी से वह स्वयं भी ध्यान दें।
बता दें कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने एनएक्सी भवन का निरीक्षण किया, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया। यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ताजा मामला संभल बिजनौर लखनऊ से सामने आया है। संभल में दो अवैध बूचड़खानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। एसडीएम के मुताबिक शहर में सिर्फ दो अवैध बूचड़खाने हैं, जबकि 25 जगहों पर 300 से ज्यादा कत्ल खाने चल रहे हैं। वहीं मेरठ से भी 6 बूचड़खाने सील किए गए हैं। लखनऊ में 3 अवैध बूचड़खाने सील किए गए हैं, जबकि 200 मीट की दुकानें बंद कर दी गई हैं। नगर पालिका में 2 स्लाइटर हाउस हैं, दोनों अवैध हैं, दोनों हम लोगों ने आज बंद कर दिया, सील कर दिया है। ठीक है, संभल नगर पालिका में 15 लोगों को मीट बेचने का परमिशन दिया गया है, जबकि यहाँ जितने उसके अलावा जितने भी लोग बेचते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। बिजनौर में भी जिला प्रशासन ने सालों से चल रहे एक बूचड़खाने को सील कर दिया है। इस बूचड़खाने से हर रोज अवैध रूप से सैकड़ों टन मीट गल्फ के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बस प्रशासन की तो ये है जी कि वो अपनी मनमानी कर रहा है, और क्या बंद करा, वरना तो सारे कागज हमारे पास है, सारे लाइसेंस हमारे पास है। सिर्फ एक फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस है जो दिसंबर में हमारा ख़त्म हो गया था, उसकी भी हमने अप्लाई कर दी, उसकी फीस जो होती है वो भी हमने बैंक में जमा कर दी, एप्लीकेशन भी हमने दे रखी है। अब वो एक अधिकारी है, चार जिले देख रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। इस स्लॉटर हाउस में जो है इनका दिसंबर तक का वो था, इनका अनुमति थी चलाने की, उसके बाद इनका जो है टाइम खत्म हो गया, तो इनकी रिन्यूअल की जो कार्यवाही थी एप्लीकेशन तो इन्होंने दे दी, लेकिन वो अभी स्वीकृत नहीं हुई इनकी, तो इसी जो है निवृत्ता पाने पर इसको जो है बंद करा जा रहा है। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी में ट्विटर पर भी योगी सरकार का एक्शन दिखने लगा है, जहां 3 महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई के लिए पुलिस दौड़ी चली आई। मामला कानपुर के कल्याणपुर इलाके का है, जहां 2 बहनें अपने साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ समय से थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के रवैये से तंग आकर पीड़ित बहनों ने इसकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर की। नतीजा ये हुआ कि कल तक मामले में टालमटोल करने वाली पुलिस पीड़ित के घर जा पहुंची। होली वाले दिन हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, दी के साथ जो वजह से हम लोग को मारा पीटा था। उसके बाद हम लोग ने पुलिस में शिकायत की, पर कुछ नहीं हुआ, इसीलिए एक हफ्ते मीन्स ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने जा रहा है आज जाके, इसीलिए मैंने सीएम आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया, एंड अब जाके शाम के आज जाके कुछ पुलिस के लोग हम लोग के घर पे आए, घर के अंदर घुसा, मेरी पुत्रियों को रंग लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ अश्लीलता करने की कोशिश की। ये थे और 4-5 अज्ञात व्यक्ति और थे, विरोध करने पर मेरी पत्नी निकल आई, तो ये लोग धार धार हथियार से चापड़ लाठी ठंडे सरियों से मेरी पुत्री को, मेरी पत्नी को, मेरी चारों पुत्रियों को, मेरे बेटे को बहुत बुरी तरीके से पीटा। पुलिस महकमा शिकायत दर्ज करने के लिए हाजिर तो हुआ ही, जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ समेत 11 जिलों में एंटी रोमियो दस्ता बना दिया गया है। पुलिस की ये विशेष टीम लड़कियों से राह चलते छेड़खानी करने वाले मंचलों पर नजर रखेगी। इस टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस कर्मी करेगा। लखनऊ पुलिस ने उन अपराधियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो फरार हैं या फिर पैरोल से भागे हैं। इन सभी को एक महीने के अंदर जेल भेजने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मंचलों पर सख्ती करते हुए गोरखपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पुलिस ने कई लड़कों को हिरासत में लिया। आरोप है कि ये लोग स्कूल और कोचिंग सेंटर के पास लड़कियों पर फब्तियां कसते थे। हाँ नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड बन गया है, और आज वो दिन भर में जो कॉलेजेस हैं गर्ल्स के, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, मॉल हैं, वहाँ पर आज चेकिंग भी कराई गई थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लोगों को इसके संबंध में वहाँ से पूछताछ भी की गई थी, और काफ़ी लोगों को वार्निंग देकर के आज छोड़ दिया गया था। भविष्य में यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति किसी द्वारा पाई जाएगी तो विधिक कार्रवाई भी संपादित की जाएगी। लगातार जारी रहेगा, ये लगातार जारी रहेगा। बीजेपी ने चुनाव के वक्त अपनी कैंपेन में कहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां मंचलों से डरती हैं और स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती। पिछली सरकार की आबकारी योजना सवालों के घेरे में है। पिछली सरकार के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर समय से पहले ही ठेकों का रिन्यूअल कर दिया गया। आखिर इतनी जल्दी में रिन्यूअल क्यों किया गया, इस बात की पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी एसपी सिंह सर। सर ये बताइए कि आखिर क्या वजह थी कि समय से पहले ठेकों का रिन्यूअल कर दिया गया। शराब के ठेकों में कमीशनखोरी सबको पता है यार,
सरकार में ऊपर तक जाता है कमीशन। पिछली दो सरकारों में तो बिना टेंडर के शराब के ठेकर किए गए, बिना टेंडर के। एक अधिकार एक ग्रुप को दे दिया जो खुद शराब माफिया है, उस ग्रुप को दे दिया। अब वो इस पिछले अगले साल का ठेका, अभी तो मार्च गई भी नहीं है, नई सरकार आ रही है, इस सरकार को देना चाहिए था। वो पिछली सरकार अगले साल का ठेका भी देगी चली गई, फाइल को अप्रूव कर गई। कारण सिंपल है कि जितना जाते जाते माल समेटना समेट लिया जाए। पर जो परिवार है उस पर मेहरबानी की, एक विशेष परिवार है जिसका काफी नाम है, आप जानते हैं पौंडी चड्डा कंपनी है, उसी का अधिकार है, उसी को दे रखा है। वो रियल एस्टेट माफिया भी है, वो शराब माफिया भी है, उसका तमाम नोएडा ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है। 3,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट माफ किया है उसको, जो प्रॉपर्टी अलॉट कर रखी है नोएडा में, उसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व CEO हैं, चेयरमैन, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता पार्टी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरह से जो है आप जो है इसको किस तरीके से देखिए। मेरा व्यक्तिगत जो एजेंडा है, मेरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, नकल माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाना, वो मुद्दे में उठाता हूँ। उसमें मैं कई सरकारों की बात, पूर्व सरकारों की जितने भ्रष्टाचार हैं उनको उठाता हूँ। तो अभी तो नई सरकार का अब समय कुछ हुआ नहीं है, तो ये है कि हमें सहयोग करना चाहिए। अगर नए परिवर्तन लाना चाहती है नई सरकार तो हमें सहयोग करना चाहिए। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पद संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उनको धमकी मिलनी शुरू हो गई है। योगी को ISIS के नाम से धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के मिर्जा मुराद बाजार में बुधवार की सुबह खूंखार आतंकी संगठन ISIS के नाम से धमकी भरा पर्चा फेंका गया। सादे कागज पर ISIS और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, इस पर्चे पर आने वाली 24 मार्च को पूर्वांचल में तबाही मचाने की बात कही गई है। पर्चे में योगी सरकार को चैलेंज किया गया है कि तबाही से बचा सकते हो तो बचा लो। धमकी भरे पर्चे की जानकारी मिलते ही मिर्जा मुराद थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि यह पर्चा किसने फेंका। हालांकि इसके बाद अब पूरे इलाके में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर पहले से ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। योगी को अखिलेश यादव से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। देहरादून में स्पीकर पद के लिए ऋषिकेश से BJP विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने नामांकन किया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने 16 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया है। विधानसभा में BJP का स्पष्ट बहुमत है, लिहाजा माना जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया जाएगा। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक हरबंस कपूर के समर्थकों ने उन्हें स्पीकर नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। वहीं बेहद खफा चल रहे हरबंस कपूर ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। हमें विरोध जिताने के लिए बाध्य किया गया है। हमारे 8 बार के विधायक माननीय श्री हरबंस कपूर जी, उन्होंने कभी कोई पद नहीं मांगा और हमेशा पार्टी के पक्ष में निष्ठा से कार्य किया है। हमेशा जनता के प्रति उनका बहुत ही अच्छा रवैया रहा है। जनता के प्रति हमेशा उन्होंने अपने को समर्पित किया है। लेकिन आज उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उस चीज़ उसको अब हमें उनको एक सम्मानपूर्वक सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए थी। पार्टी ने का जो निर्णय, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, परंतु बाकी जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, आम जनता की बात है, वो तो उसके बारे में वो ही बता सकते हैं। हमारा अपमान होता है तो निश्चित रूप से उसे हम मानते हैं कि पार्टी को उससे प्रभावित होती है, हमारे व्यक्तिगत रूप से भी। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से 3री बार विधायक चुने गए हैं। यूपी सरकार में विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व CM SM कृष्णा बुधवार को BJP में शामिल हो गए। अमित शाह और अनंत कुमार की मौजूदगी में कृष्णा पार्टी में शामिल हुए। कृष्णा को 15 मार्च को ही BJP में शामिल होना था, लेकिन बहन की मृत्यु के कारण वो शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले कृष्णा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 29 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। 84 वर्षीय SM कृष्णा 5 दशकों से कांग्रेस में थे। वो पहली बार 1968 में मांडिया से सांसद चुने गए थे। कृष्णा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से कृष्णा साहब का स्वागत करता हूं। वो कर्नाटक में तो हमारी ताकत बढ़ाएंगे ही, मगर पूरे देश भर में उनके आने से राजनीति में साफ सुथरी राजनीति के सभी हिमायती लोगों के लिए एक संदेश है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर देश को आगे ले जाना। माना जा रहा है कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के रवैये से नाराज होने के कारण कृष्णा ने कांग्रेस छोड़ा है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की आपसी सुलह की पेशकश के बाद BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है।
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो 2018 में विधेयक लाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि उस समय बीजेपी राज्यसभा में बहुमत के करीब होगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट के बाहर मामले में समझौते को तैयार है। हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बनाते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट में बहस करेंगे और 2018 को हमारी बहुमत होगी राज्यसभा में और उस तक फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहाँ राम मंदिर बनेगा। जिस तरीके से बोर्ड पहले से कहता आया है कि जो भी पर्सन जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम मानेंगे, और क्योंकि सुप्रीम ही कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये राय दी है तो हम ये समझते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। बाबरी एक्शन कमेटी ने कहा है कि राम मंदिर मुद्दे को बातचीत से सुलझाना संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोशिशें इससे पहले भी नाकाम रही हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी शो ना छोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू भी नए नए तर्कों के जरिए टीवी शो पर टिके हुए हैं। सिद्धू ने साफ किया है कि वो फिलहाल टीवी शो नहीं छोड़ने वाले हैं। सिद्धू ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि वो 75% टीवी को छोड़ चुके हैं, महीने में केवल 4 दिन का शो करते हैं, फिर विरोधियों को परेशानी क्यों हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू महीने च 4 दिन, मैं मेरा 75% टीवी खत्म हो गया क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हाँ, IPL मैं नहीं करूंगा, लेकिन जे मैं महीने च 4 दिन शाम नू 7 बजे तो बाद सवेरे 6 बजे तक रात नू कुछ करदा ते किसी दे ढिड पीड़ क्यों होंदी है भाई, मैनू समझ नहीं आउंदी। नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी शो को लेकर कांग्रेस नेता उनके पक्ष में उतर आए हैं। हमारे CM साहब ने ये कहा है भी अगर एडवोकेट जनरल से हम इसके ऊपर उनसे पूछ रहे हैं भी वो मंत्री पे पद पे रहते कोई अपना काम कर सकते हैं या नहीं, और वो डिसीजन आ जाएगा और उन्होंने कहा बॉस कहेगा वो मैं मानूंगा। विरोध बढ़ता देख इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया है कि वो कानूनी राय लेने के बाद ही इस बारे में कोई बयान देंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक किताब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भारत का भूगोल नाम की ये किताब मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की कि इस किताब में गोंड आदिवासियों का गलत अर्थ बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शून्यकाल में मामले को उठाते हुए कहा कि किताब में गोंड शब्द का अर्थ गाय को मारने वाला बताया गया है, जो कि आदिवासियों का अपमान है। कांग्रेसी विधायकों ने मामले में सरकार से माफी मांगने के साथ साथ सदन में मुख्यमंत्री के वक्तव्य की मांग भी की। भारत का भूगोल इसके प्रकाशन कैलाश पुस्तक भवन भोपाल और लेखक है हरीश कुमार खत्री। गोंड शब्द का प्रयोग का अर्थ लिखा है गोंडी भाषा में गाय मारने वाला तथा गाय का मांस खाने वाला। गंभीर है और सरकार भी उसकी गंभीरता को समझती है, और हमने स्वयं ने ये तय किया है सरकार ने कि उस पुस्तक को हम बुला करके और जांच कराएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई अगर हो सकती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। विधानसभा में SC ST किसानों को बिजली कनेक्शन के विस्तार का मामला भी गूंजा। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है, इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन ने दी। महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन ने दावा किया कि आज रात को ही सभी डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। ये भी बता दें कि धुले में एक डॉक्टर की पिटाई के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। इससे पहले हड़ताल की वजह से मरीजों की हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई थी और सरकार को फटकार भी लगाई थी। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अब तक करीब 58 मरीजों की मौत हो चुकी है। लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को एक बड़ा सुझाव दिया है। विधि आयोग ने सिफारिश की है कि मौत की सजा को खत्म कर दिया जाए। भारतीय लॉ कमीशन ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में सरकार से कहा है कि किसी भी क्राइम के लिए मौत की सजा को हटा देना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में आतंकवाद से जुड़े अपराध के मामलों में ही सजाए मौत को बरकरार रखने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। अहीर के मुताबिक रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उनकी राय जानने के लिए
भेज दी गई है। ये भी बता दें कि इससे पहले साल 2015 में 20वें विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की थी कि आतंकवाद को छोड़कर बाकी अपराधों में फांसी की सजा को खत्म किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के रामनगर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। कुछ लड़कों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। बेरहमी से मारपीट का ये वीडियो उत्तराखंड के रामनगर का है। देखिए कैसे कुछ लोग एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। लाठी डंडों और लात घूसों से शख्स को बुरी तरह पीटा गया। दरअसल ये शख्स एक महिला मित्र के साथ इस इलाके में आया था, जिसके बाद इन लोगों ने उन्हें पकड़कर बेइज्जत करना शुरू कर दिया। महिला से जबरन इस शख्स को पिटवाया गया। मारपीट करने वालों ने जमकर गाली गलौज भी किया और वारदात का वीडियो भी बनाया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रामनगर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। एक लड़की को लेकर के एक पक्ष के कुछ लोग किसी लड़के को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये कौन लोग हैं, क्या है, इनको पुलिस अपने स्तर से चिन्हित करेगी और इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है। इनको वीडियो में जो भी दिखाई दे रहे हैं इनको चिन्हित करके पुलिस नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करे। वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रहे आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला गंभीर होता जा रहा है। मुरैना में मैथ्स, साइंस, अंग्रेजी के बाद आज हिंदी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का हिंदी का पेपर सोशल साइट पर वायरल हो गया। शिवपुरी में भी 10वीं का हिंदी का पेपर लीक होने की जानकारी है। पेपर लीक मामले के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा कर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक दफे पेपर लीक हुए, आगे बढ़ाया गया, आज पता चला फिर से लीक हो गए। कौन सी व्यवस्था से सरकार बच्चों के भविष्य से खेल रही है, समझ के परे। शिक्षा विभाग में शिक्षा माफिया पूरी तरह से सरकार के शिकंजा कसे हुए है और सरकार उनके दबाव में पेपर लीक कराती है और बेच के वसूली का काम चल रहा है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक करना सरकार का गलत कार्य है कराना। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ खोखले दावे जरूर किए जा रहे हैं।